Now we'll think about this one. So my dear friends, ये questions को मैंने थोड़ा twist किया. Clear? यहीं पे क्या था? A, B, C और 3 positive roots of this, then the minimum value of this. मैंने यहीं पे लिखा A, B, C और 3 even positive roots of this. ठीक है? तीनों ही even positive roots है. Clear? Where A is less than B less than C, then the value of twice of 1 by A. टू बाई बी एंड थ्री बाई सी क्या होगा. तो यार सब सो माई डियर फ्रेंड्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है. प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्या मतलब है, यहीं पे देखो. सो दिस इज ए बी सी, सो दैट इज इक्वल टू 48. ए 48 क्लियर, ए जो फैक्टर्स है क्लियर, ये 48 को ऐसा करके अरेंज करो तुम्हें ए बी सी मिल जाए जिसमें तीनों इवन रूट है. तो यार सो माय डियर फ्रेंड्स, देखो ये 48 का एक ट्रिपलेट, देखो दिस इज 238 है. ठीक है, दूसरा ट्रिपलेट 443 है एंड तीसरा क्या है, देखो दिस इज 246 है. ठीक है, क्लियर. सो ऐसा करके आप देख सकते हो हियर ए इज लेस देन बी लेस देन सी है. देखो ये ए जो और सपोज इसका डिफरेंट अरेंजमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन यहीं पे क्या है ए तो पॉसिबल नहीं है. ठीक है, लेकिन यहीं पे देखो ये सारे तो इवन नहीं है, लेकिन इस पे सारे इवन है. ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो यू कैन राइट ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 4 एंड सी इज इक्वल टू 6 है. जब ऐसा होगा सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, ट्वाइस ऑफ 1 बाई ए, 2 बाई बी एंड 3 बाई सी. So that is 1 by 2. ए भी क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज 2 by 4 है एंड सो दिस इज 3 by 6 है. सो दिस इज 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2. सो 2 into 3 by 2, सो दैट इज 1, सो दैट इज इक्वल टू 3 है. क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, इन दिस केस में मिनिमम वैल्यू नहीं पूछा, दे द वैल्यू ऑफ दिस, सो यू कैन से लाइक दिस. ठीक है, क्लियर. वेयर A is less than B less than C, खाली A जो ट्रिपलेट है, A ट्रिपलेट ही पे एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो ये सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन जी एडवांस एग्जाम में पूछा जा सकता है. आपको पहले समझना है, फिर अच्छे ढंग से प्रैक्टिस करना है. सो इफ यू वांट टू क्रैक जी एडवांस एग्जाम्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, यू हैव टू वर्क हार्ड प्रॉपरली. क्लियर, एंड मैं तो कहूँगा आप मुझे फॉलो करो, मेरे चैनल को फॉलो करो एंड मेरा जो इंस्ट्रक्शन है उसे फॉलो करो, सो दैट नोबडी कैन स्टॉप यू टू गेट एडमिशंस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज टू गवर्नमेंट IIT, माय डियर फ्रेंड्स. क्लियर, सो दैट टाइम नोबडी कैन मेक यू क्लियर द एग्जामिनेशंस ऑफ एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन सॉल्व विदाउट एनी डिफिकल्टी. सो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूम हो जाएगा. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook person, Instagram, Telegram and Twitter friends, as well as all social medias around the world. Don't forget to subscribe my channel. Rest well. Thank you very much for watching my video. That's all. Now what we'll find here, the absolute term in px equal to this. Absolute term का मतलब है constant term. ठीक है, इसका जो constant term है, suppose a constant term को you can write, suppose a is form में लिख लो. So that is what minus 1 by r into r plus 1 and so this is what r plus 2 है. And here constant terms का, so this is a find करना है. So this is r is equal to 1 second. ठीक है, where n tends to infinity. So this is n tends to infinity. So like this, ये आपको find करना है. अभी हम लोग क्या करेंगे, so this is इसका superior, so this is मैंने ऐसा करके लिख लिया. So this is, or you can say, so this is another scene है. ऐसा भी आप सोच सकते हो, ये आपको find करना है. ठीक है, so that is equal to is what, minus को बाहर ले लिया. एंड इसको क्या किस फॉर्म में लिखते हैं, सो न्यूमरेटर को ये दोनों का डिफरेंस का फॉर्म में लिखो. सो आर प्लस टू माइनस आर एंड सो दिस इज आर इन टू आर प्लस वन इन टू आर प्लस टू. सो दिस इज समीशन आर इज इक्वल टू वन से एन दिस बाई दिस वन बाई आर इन टू आर प्लस वन एंड सो दिस इज वन बाई आर प्लस वन इन टू आर प्लस टू. ठीक है, एंड सो एक एक टर्म, सो दिस इज माइनस, सपोज मैंने ऐसा लिख रहा हूँ, सो दिस इज इस. ठीक
ठीक है, इसको मैंने एस एन वन एंड सो दिस इज एस एन टू अलग अलग फाइंड कर लो, ठीक है। अभी एस एन वन, एस एन वन क्या है ना, समेशन सारे इक्वल टू वन से एन, वन बाई आर इन टू आर प्लस वन, सो दैट इज वन। ए क्या होगा देखो, सो दिस इज आर जब वन है, सो दिस इज वन वन इन टू टू, सो दिस इज टू इन टू थ्री एंड सो दिस इज वन बाई एन इन टू एन प्लस वन, ठीक है। वन माइनस वन बाई टू, सो दिस इज वन बाई टू माइनस वन, नेक्स्ट टर्म भी ऐसा है फोर, वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर एंड सो दिस इज वन बाई एन माइनस वन बाई एन प्लस वन, ये सब कैंसिल, तो बचेगा क्या है वन माइनस वन बाई एन प्लस वन। अभी जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा तो यस, सो दैट इज इक्वल टू इज वन, ये क्या होगा, सो दैट इज इक्वल टू वन जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। अभी s ऑफ n टू, s ऑफ n टू क्या होगा, ये भी समेशन आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, क्लियर। जब r का वैल्यू वन है, देखो यहीं पे जब r का वैल्यू वन है तो ये क्या हो, सो दिस इज वन बाई आर प्लस वन इन टू आर प्लस टू है, सो दैट इज r जब वन है, सो दिस इज टू इंटू थ्री है, सो दे आर जब, ठीक है, आर जब टू है सो थ्री इंटू फोर है, आर जब थ्री है सो दिस इज फोर इंटू फाइव है, सो दिस इज, ठीक है, सो एन प्लस वन एन टू एन प्लस टू है, क्लियर। सो दैट इज वट, ए हटून जाए, ए वन बाई टू माइनस वन बाई थ्री, वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर है एंड सो दिस इज वट, 1 by n plus 1 minus 1 by n plus 2, ठीक है, ये सब कैंसिल, तो बचेगा क्या है, ठीक है। सो देयरफॉर यू कैन से लाइक दिस, सो Sn2 का जो वैल्यू है क्लियर, सो दिस इज हाफ माइनस 1 by n plus 2, सो दैट इज इक्वल टू क्या है, हाफ जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। अभी Sn क्या है ना, सो दिस इज Sn इज y, ठीक है, सो दैट इज Sn1 माइनस Sn2, माइनस ऑफ दिस है सो माइनस वन माइनस हाफ, ठीक है। तो यस, सो माय डियर फ्रेंड्स, ओहो सॉरी, यहीं पे एक टू वन बाई टू, सॉरी, सो दिस इज this is 1 by 2 minus of 1 by 2, so what will get, so this is minus 1 by 4, iska jo answer hai, so the thing is what, so this answer is minus 1 by 4, nothing else। इस टाइप का कंसेप्चुअल ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्लियर। सो ये 500 का स्टडी पैकेज में है, क्लियर, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन को भी डिस्कस किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन फेस एट योर एग्जाम, आपको अच्छे ढंग से समझना है, प्रैक्टिस करना चाहिए। नाउ वी विल डिस्कस टू मोर क्वेश्चंस, वेरी गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, सो माय डियर फ्रेंड्स यू कैन गेट एट योर एग्जाम। Sequence TA for positive terms is a GP, T6TA, clear, so this is, this form, ठीक है, another in that order, then the product of this, ठीक है, जब GP में है, so that is equal to is what, A क्या होगा, देखो, ये भी तो GP में ही है, so this is 14, जब GP में है, so that is equal to is what, ये दोनों का product, ये दोनों का product का साथ हुआ है, so this is T6 and T14 is equal to 10 है। ये क्या होगा, सपोज ऐसा मैंने कंसिडर कर लिया, ए आर टू दी पावर 5, ए आर टू दी पावर 13 इक्वल टू दिस, सो दिस इज, ठीक है, ए आर टू दी पावर 9 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू 10 है, ऐसा, ठीक है, ए आर टू दी पावर 9 का स्क्वायर, सो दैट इज 10। अभी क्या है देखो, यहीं पे क्या फाइंड करना है, सो दिस इज T1, ठीक है, ए सो दिस इज यू कैन राइट T1 T2 T3 एंड सो दिस इज T18 T19, ये जो सफिक्स है देखो, सफिक्स है सम 20 है, क्लियर, सो दैट मींस क्या, यहीं पे ये सारे ऑर्डर पेयर का बारे में तुम्हें सोचना है, T2 T18 सो दिस इज T, ठीक है, T17 सो दिस इज T4 T16, ठीक है, T5 T15, सो दिस इज
36 t 14, ठीक है, तो ये तो मिल गया। सो दैट इज इक्वल टू इज व्हाट, सो दिस इज t 7 एंड t 13 एंड सो दिस इज t 8, सो दिस इज t 12 एंड सो दिस इज t 9 t 11, ठीक है, एंड सो दिस इज, ऐसा करके सारे डाल, देखो ये कितना प्यार हुआ, ठीक है, सो दिस इज 9 प्यार, एंड जो जब ये प्रियर इसको आप ऐसा लिख लोगे t10 का प्रियर, सो t10, ठीक है, सो दैट इज ये दोनों को मिला के या कि ये सब जीपी में होता है प्रियर, सो इसका जो वैल्यू है प्रियर, इसका वैल्यू क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज इसका t1 तो ये है एंड ये ar^18 है, सो दैट इज इज व्हाट, सो व्हाट आर यू गेटिंग, सो दैट इज इज व्हाट a^2^18 का होल टू द पावर 10 है क्लियर, सो दैट इज व्हाट होल टू द पावर 10 है, सो दिस इज a एम, दिस इज ए, दिस इज a^18, a^18 कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म्स है, सो दैट इज व्हाट, अभी क्या होगा, सो दिस इज a^9 का स्क्वायर, सो दैट इज इज, सो लाइक दिस, सो a^9 मीन्स क्या, सो दैट इज ए दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट के साथ, सो दिस इज व्हाट, ठीक है, एंड हियर सो दिस इज 2 होल टू द पावर 10 है, सो दैट इज 10 टू द पावर 10 है, सो माय डियर फ्रेंड्स, सो दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर 10, दिस ऑप्शन इज द राइट। नाउ व्हेयर एवर यू विल गेट, सो दिस इज, देखो यहीं पे जो कंडीशंस है, ए बी सी आर इन ए पी, सो ट्वाइस बी इक्वल टू ए प्लस सी, एंड सो दिस इज सी स्क्वायर इक्वल टू बी डी, ठीक है, सो दिस इज, अभी क्या है देखो, सो डी इज इक्वल टू ट्वाइस सी ई बाई सी प्लस ई है, यहीं पे क्या है, ए इज इक्वल टू 2 है, सो दैट इज 2 प्लस सी है, तो c का वैल्यू क्या हो रहा है देखो, यहीं से c का जो वैल्यू है, ठीक है, c का वैल्यू क्या होगा, 2b माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू बी डी है, यहीं से d का वैल्यू को लिख लो, ठीक है, अभी e जो है दैट इज 18 है, सो 36c बाई सी प्लस 18 है, यहीं पे लिखो, सो दिस इज 2b, सो दैट इज बी इंटू डी का वैल्यू क्या है, सो 36 एंड सी का वैल्यू क्या है, सो दिस इज 2b माइनस 2 है, एंड सो दिस इज सी 2b माइनस 2, 2b माइनस 2 मीन्स क्या, सो दिस इज 16 है, यही से 2 कॉमन ले लो, 36b इंटू बी माइनस 1, 2 कॉमन ले लो तो क्या होगा, b प्लस 8 है, ठीक है, क्लियर, सो दैट इज 4 इंटू बी माइनस 1 का होल स्क्वायर 36 इंटू बी माइनस 1, ठीक है, क्लियर, 36 सो बी इंटू बी माइनस 1, और नीचे क्या हो रहा है देखो, सो दिस इज बी प्लस 8 है, ठीक है, ये 4 इसका साथ कैंसिल हो गया, देखो एक फैक्टर को कैंसिल कर दो, ठीक है, सो दैट इज इज व्हाट, अभी बी माइनस 1, ठीक है, इंटू बी प्लस 8 इक्वल टू 9b है, सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस 7b माइनस 2b माइनस 8 है, सो दिस इज बी का जो वैल्यू है, सो बी का वैल्यू क्या होगा, सो दिस इज बी माइनस 4 एंड बी प्लस 2, सो दैट इज इक्वल टू 0, सो बी का वैल्यू माइनस 2 एंड 4 है, सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू तो 2b माइनस 2 है, सो दैट इज द 4 है, सो दिस इज 6 है, और जब माइनस 2 है, सो दिस इज माइनस 6 है, सो माय डियर फ्रेंड्स, क्लियर, यहीं पे, सो दिस इज, दिस टू ऑप्शंस आर द राइट वन, ठीक है, क्लियर, इस टाइप का क्वेश्चन यू कैन गेट एट योर एग्जाम। Now we will discuss the minimum value of f(x) where x is belongs to R है, यहीं पर पॉजिटिव का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ना यहीं पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की सोलाइज पॉजिटिव है, क्लियर, सो माई डियर फ्रेंड्स, जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा, सो दिस f(x) को पहले अरेंज कर लो, सो इसका क्या मतलब है, 2 into 2 to the power 2x, and so this is 5 to the power x है,
सो इसको ऐसा करके लिखो 2^2x + 2^2x और इसको 5 times लिखो. सो द सी इज 1/2x. सो द सी इज 1/2x. सो दिस 1/2x. ठीक है, तो यहीं पे कितना टर्म्स है क्लियर. सो द सी इज, देखो यहीं पे कितना टर्म्स है, 8 टर्म्स है. सो दैट मीन्स क्या, एरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जियोमेट्रिक मीन. मैंने इसको एस कंसिडर कर रहा हूँ. ठीक है, सो दिस इज एस बाय 8. सो दैट इज 8√ ठीक है. देखो इसको मल्टीप्लाई कर, सो दिस इज 2^2x इंटू 2^2x एंड ये क्या होगा 1/2x. देखो ये तो कैंसिल हो रहा है. ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू इज 1 है. सो माई डियर फ्रेंड्स, एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है. एस किसको कंसिडर किया, एफ एक्स को. सो दैट मीन्स क्या, इसका जो मिनिमम वैल्यू है, सो दैट इज 8 है. क्लियर. सो माई डियर फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जेई एडवांस एग्जाम में मिल सकता है. जस्ट अप्लाई योर प्रेजेंस ऑफ माइंड, नथिंग एल्स. इफ यू वांट टू क्रैक जेई एडवांस एग्जाम्स विद ए ग्रेट कॉन्फिडेंस, योर have to work hard, you have to practice such type of questions properly. So my dear friends, if you remember it, practice till you perfect. तब तक practice करते रहना जब तक आप perfect नहीं बन जा रहे हो. Practice makes you perfect. If you practice these problems properly, you can change your destiny. So my dear friends, everything is in your hand. If you want to change career, your fortune, you have to work hard. You have to follow me. You have to follow my instructions as well as you have to follow my channel. So my dear friends, if you like this video, please share this video to all of your Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram and Twitter friends as well as all social media around the world. And don't forget to subscribe my channel, Press 2 ID. Thank you very much for watching. That's all.